सो सोहेगा ही स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के YouTube चैनल में और आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी को लेकर सुजलॉन एनर्जी के अंदर आप लोग देखोगे एक जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली है स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया भाई और इस तेजी के पीछे का रीजन क्या है वो आपको बताएंगे क्योंकि कंपनी की तरफ से अपने क्वार्टर थ्री के कुछ एक आंकड़े डिस्कलोज किए गए हैं जी कंपनी की तरफ से क्वार्टर थ्री के आंकड़े आए हैं तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे भाई क्या आंकड़े कैसे आए हैं और वहां पर जो एफ है उन्होंने सभी को चौंका डाला भाई और मैं भी आपको काफी टाइम से बोल रहा हूं जो ये आ, सुजलोन एनर्जी है पीछे दो दिन से आप लोग स्टॉक टूट रहा था और जिस प्रकार से जो लगातार खरीदारी हो रही थी ठीक है सत्तर सत्तर परसेंट जो डिलीवरी उठ रही थी ना वो कुछ खास आपने देखा होगा वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी भाई इतनी बड़ी करेक्शन और उस करेक्शन में सत्तर सत्तर परसेंट डिलीवरी उठना ये छोटी मोटी बात नहीं है अभी तो कुछ भी नहीं है स्टॉक अभी और लंबा चलना है भाई ठीक है ये तो कुछ भी नहीं

आज गिरावट हुई चालीस तक गया लेकिन उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक सीधा अपर सर्किट में लॉक हुआ है फिर आप लोग देखोगे भी जो वॉल्यूम आई है लगभग नौ करोड़ इक्यानवे लाख के आसपास की वॉल्यूम काफ़ी हाई वॉल्यूम स्टॉक में देखने को मिली है तो चलिए भाई सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्वार्टर थ्री से रिलेटेड आखिरकार क्या आंकड़े आए हैं और वहां पर एफ वालों ने क्या ऐसा किया है कि भाई देखो हैरान करने वाला काम है तो चलिए आपको दिखा देते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी सुजलॉन एनर्जी की तरफ से अपने क्वार्टर थ्री के या फिर जो दिसंबर uh, क्वार्टर है उसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं वो डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई तो कैसे रहे हैं चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले प्रमोटर्स की अगर बात करें तो अपनी सारी जो होल्डिंग थी रिलीज कर ली अभी जो इनकी प्लेज थी ठीक है सबसे अच्छी बात तो ये है उसके बाद आप लोग देखोगे भी और क्या अपडेट रही है जो बिल्कुल पॉजिटिव है तो चलिए आपको दिखा देते हैं तो यहां पर आप लोग देखोगे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही तेरह पॉइंट दो नौ परसेंट के आसपास बट जो चौंकाने वाला काम किया है तो एफआई वालों ने किया है भाई टेन पॉइंट एट एट से सेवनटीन पॉइंट एट थ्री परसेंट यानी कि लगभग सात परसेंट जो स्टेक है वो इंक्रीज किया है भाई जो सुजलोल एनर्जी है इसके अंदर एफ वालों ने तो एफ वालों की जो अभी स्टार्ट हो चुकी है अभी एंट्री आना और अब आप लोग देखोगे स्टॉक कहाँ से कहाँ पर पहुंचेगा उसके बाद म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से जो है थोड़ा डाटा नेगेटिव आया है 4.70 से आप लोग देखोगे 1.33 परसेंट हो चुकी है यानी कि यहाँ पर जो है ना तीन परसेंट के करीब तीन साढ़े तीन साढ़े तीन परसेंट के करीब जो स्टेक है वो डिक्रीज हुआ है भाई आ, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से लेकिन एफआई वालों ने जो ना अभी जमकर खरीददारी की है और आप लोगों के सामने नतीजा भी है भाई आज स्टॉक में सीधा अपर सर्किट लगा है तो ये बड़ी खबर है जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज है तो चलिए भाई अब देखते हैं आगे के कैसे माहौल बनेंगे स्टॉक में कल के क्या कुछ लेवल्स हो सकते हैं क्या ये स्टॉक अब के अब जो है वो नॉन स्टॉप अपर सर्किट पर अपर सर्किट दिखाएगा या फिर जो ना अभी स्टॉक में ऊपर के भाव से फॉल बन सकता है तो यहां पर आप लोग देखोगे सुजलॉन एनर्जी की तरफ से जो डाटा देखने को मिला अभी वो कैसा है चालीस रुपये नब्बे पैसे प्रीवियस क्लोजिंग थी ओपन इसी भाव में हुआ फिर आप लोग देखो चालीस रुपए दस पैसे तक स्टॉक नीचे में गया फिर वहां से जो तेजी बने ना भाई वो आउटस्टैंडिंग है बयालीस नब्बे तक स्टॉक उछला और वहीं पर क्लोजिंग ले लिया ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर बावन लाख क्वांटिटी का आप लोग देखोगे एक बिग बाय ऑर्डर डिलीवरी पोजिशन की अगर बात की जाए तो आज भी आप लोग देखोगे तेजी में भी साढ़े डिलीवरी उठाई

ठीक है जितने भी डिस्टेंस है ये उठाइए यहाँ से और यहाँ पर आप लोग इसे जो ना भी फिट कीजिए और देखिए कि ये जो मोमेंटम है वो कहाँ तक हमें देखने को मिलेगा यानी कि इस लेवल से अगर देखें तो लगभग पचपन से साठ के आसपास बैठती है और ये स्टॉक अगर यहाँ से साठ तक जाता है तो फिफ्टी परसेंट की जो रिटर्न है वो यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिलेंगे और ये काम होगा भाई रिजल्ट और बजट इलेक्शन यानी कि तीन महीने हैं मार्च तक आप लोग देखोगे जो स्टॉक है वो सिक्सटी रुपये तक के जो मूव है क्या पता उससे पहले इसी मंथ में या फिर अगले मंथ में स्टॉक दिखा दे लेकिन सिक्सटी प्लस पक्का निकलेगा थर्ड महीने तक जिस प्रकार से डाटा आया जिस प्रकार से आप लोग देखोगे यहाँ पर जो खरीदारी की जा रही है जिस प्रकार से कंपनी अपने रिजल्ट दे रही है जिस प्रकार से कंपनी ने जो ना भी अपना रिवर्सल दिखाया है ठीक है उन सबको देखते हुए ये स्टॉक अभी और चलना है ये तो शुरुआत है इसको चलना बहुत लंबा है भाई बहुत टाइम बाकी है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए और शॉर्ट टर्म वाले देखो भाई हाथ जोड़ के विनती है आप लोग अगर आपको ज्ञान है चार्ट का या फिर आप लोग जो अभी 24 घंटे अवेलेबल रहते हो मार्केट के अंदर न्यूज़ों के ऊपर आपका फोकस है तो वही जो अभी किसी भी स्टॉक यही नहीं है कि अकेला यही स्टॉक है और भी बहुत सारे स्टॉक है तभी इन्वेस्ट कीजिए अदरवाइज़ शॉर्ट टर्म में अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता ना भाई चार्ट वगैरह या फिर और कुछ तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा कर रखिए ठीक है पैसा वहाँ बनेगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो